हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको मैकेनिकल की एक ड्राइंग बताऊंगा जिससे आपका एक्सपीरियंस होगा और प्रैक्टिस होगा, जिसमें हम कई सारी कमांड को यूज करेंगे, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा मिरर कमांड और क्या बोलते हैं सर्किट एक्सटेंशन कमांड, कई सारी कमांडों का हम यूज करेंगे और प्रैक्टिस कमांड को प्रैक्टिस करेंगे। एक ड्राइंग से ड्राइंग को बनाकर हम प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपका एक्सपीरियंस होगा। चलो हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन में। जैसे हमारे पास ये एक ड्राइंग है, ये एक मैकेनिकल की ड्राइंग है, इसको हमें एक ड्रॉ करना है। इसमें ये कलर वगैरह है, ये क्या हैचिंग है। इससे सबसे पहले हम क्या करें, 2D ड्राइंग बनाएं। सबसे पहले हमें कोई भी ड्राइंग बनाने से पहले हम ड्राइंग को पढ़ना सीखें कि हमें सबसे पहले करना क्या होगा। सबसे पहले हम कोई भी ड्राइंग को उसे मिड से उठाएं, अगर मैकेनिकल की है तो उसको मिड से उठाएं। मिड से उठाने से क्या होता है, हमारा एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी। ये हमारा सेंटर है, यहाँ से देखेंगे जी ये सर्किल बनी हुई है, ये कितने रेडियस की है। हम इसकी सर्किल देखते हैं, ये हमारा जो सर्किल है आर 16, 16 रेडियस की है। तो चलो हम एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। हमने लिया सर्किल है, ये पॉइंट लिया, कितनी की है, 16 की है। तो हम 16 इंटर करते हैं, ये हमने 16 इंटर किया, ये हमारा 16 रेडियस की एक सर्किट ड्रॉ होगी। उसके बाद दूसरी देखते हैं कि हमारी ये दूसरी सर्किट है, ये वाली, ये कितनी रेडियस की है। इसको भी हम देखते हैं, ये 16 की है। तो हमारी ये वाली यहाँ से देखें 21 की है, ये 21 की है। तो हम दूसरी रेडियस उसी सेंटर पॉइंट को लेके हम दूसरी रेडियस ड्रॉ करते हैं 21 की। ये हमने दूसरी रेडियस ड्रॉ कर दी 21 की, सॉरी हमारा सेंटर पॉइंट गलत हुआ था। अब चल लेते हैं, ये हमारी 21 की दूसरी रेडियस ड्रॉ कर दी। अब फिर हम चेक करते हैं इसको, थोड़ा पास में ले आते हैं, थोड़ा दूर है, मूव करके इसको मूव किया, ले आया यहाँ पर। अब देखते हैं, एक काम करते हैं, ये जो हमारी ड्राइंग है इसको दूसरी जगह मूव करके रख देते हैं। इसको क्या करें, इस साइड रख लें, ओके, और इसको इसको डिलीट कर दें, डिलीट कर दें, ठीक है। इसको और मूव करके ले आए हम पास में, जिससे हमें क्या होगा, थोड़ा देखने में सही लगेगा। हाँ, अब देखते हैं, ये हमारी दूसरी 16 की होगी, पहली 16 की, दूसरी 21 की, 21 की रेडियस होगी। अब हम देखते हैं, अब इसके बाद हमें एक सर्किल और ड्रॉ है, ये कितनी रेडियस का है, इसको ये 21, ये हमारा है 32 का। अब 32 की रेडियस हम एक और ड्रॉ करते हैं, तीसरी रेडियस हम ड्रॉ करते हैं 32 की, 32 की हम तीसरी रेडियस ड्रॉ करें सर्किल कमांड, एंड 32 की हमने तीसरी रेडियस ड्रॉ कर ली, ये 32 की होगी। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये हमारी 32 की होगी। इसके बाद हम देखते हैं, ये जो हमारी रेडियस है, एक और रेडियस है, आज सर्किल है सॉरी, ये कितनी की है, इसको हम देखते हैं, ये 40 की है। हम एक और सर्किल ड्रॉ करते हैं 40 रेडियस की, 40 की हमने एक और सर्किल ड्रॉ कर लिया, ये देख लिया। अब इसके बाद हम क्या करें, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन एक ड्रॉ करते हैं सेंटर से लेके, ये हमने लिया। इसको थोड़ा स्ट्रेच कर दें, इसको पकड़ेंगे, अगर कोई लाइन को स्ट्रेच करना हो उसको पकड़ के देन ऊपर को स्ट्रेच कर लेंगे। ये देखिए, ये होगी, ये हमारी क्या होगी, वर्टिकल लाइन ड्रॉ होगी। अब ऐसे ही हम हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करते हैं, इसको हमने लिया, इसको स्ट्रेच कर लें इस साइड को, ये हमने स्ट्रेच कर ली, ठीक है। अब देखते हैं, ये जो हमारे सर्किल ड्रॉ हैं, ये सर्किल हमारे किस जगह हैं, कितने डिस्टेंस में, हम यहाँ से देखते हैं जो हमारे दूसरे सर्किल हैं, ये देखते हैं हमारे ये 50 और 50, 100, ओके, हम 50 50 के हैं। चलो हम यहाँ से, ये 50 के हैं और ये नीचे 60 के हैं, तो हम यहाँ से क्या करें, ये इस पॉइंट से ऊपर का 60 ले लें, 60 लिया, 60 का लिया, ये 60 हमारा ये पॉइंट आ गया। अब ये इस साइड को हम देखते हैं, ये कितने का, ये सेंटर आ रहा है 50 का, ये हमारा 50 का आ रहा है, इसको हम 50 में ले लेंगे, देन ये हमारे नीचे उस हिसाब से हम इसको जोड़ देंगे, ये एक साइड का बन गया। इसी हम इसी हिसाब से हम इस साइड का बनाएंगे, ये नीचे का देखेंगे, लाइन कमांड लेके नीचे देखते हैं हम, ये देखते हैं नीचे कितने का है, ये देखते हैं हम, ये भी 60 का है,
नीचे हम 60 लें। देन अब ये लेफ्ट साइड देख राइट साइड देखते हैं ये कितने का, ये 50 का है, ये 50 का लेते हैं, देन 50 लिया, देन ये 60 का, इसको ऐड कर देते हैं। ये क्या, इससे हमारे क्या एक सेंटर सर्कल का ये सेंटर पॉइंट है। अब ये देखते हैं ये वाला जो सर्कल है इसका सेंटर पॉइंट हमें मिल गया, ये दोनों मिल गए। अब ये देखते हैं हम कितने का है ये सर्कल, सर्कल को देखते हैं हम, सर्कल हमारा 15 mm का है, तो हम इस पॉइंट से 15 mm का एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ हो गया, अभी इस हिसाब से नीचे भी 15 mm का सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, ये भी 15 का हमने ड्रॉ कर लिया। ओके, अब ये एक और सर्कल हमारा ये बना हुआ है, ये कितने का, 21 का है, तो हम दूसरा सर्कल भी ड्रॉ करते हैं 21 का, 21 का दूसरा सर्कल, देन उसी हिसाब से इसको भी हम दूसरा सर्कल ड्रॉ करेंगे 21 का। अब हम देखते हैं एक हमारा और सर्कल है, ये चीज़ दो सर्कल यहाँ पर भी बनी है। अब इसकी डिस्टेंस देखते हैं कितनी है, ये हमारी 50 है, दोनों साइड बोथ साइड राइट और लेफ्ट साइड सेम डायरेक्शन में है, तो ये देखते हैं हमारा ये 50 है, 50 और इसका ये सेंटर है जो 50 + 20 = 70 में है, तो हम इस सेंटर से एक 70 में एक पॉइंट लगा देते हैं, 70 लगेगा, ये हमारा ये पॉइंट आ गया, इसको हम यहाँ छोड़ देते हैं, उस सर्कल ड्रॉ करते हैं कितना पहले कितना, 15 का है, दूसरा है 20 का है, हमने इसको किया 15 का। ओके, और दूसरा हमारा सर्किल है उसको हमने किया 20 का, 20 का हुआ, 20 का। हम देखते हैं ये सर्किल हमारा थोड़ा वैसा बन गया है, इसका मेन सेंटर नहीं आया, हम इसका देखते हैं 20 का, ये देखो ये हमारा 20 का सर्किल ड्रॉ हो गया। ओके, ये 20 का हो गया, हम डिलीट कर दें, कोई दिक्कत नहीं इससे, ये हमारा 20 का हो गया। अब क्या करते हैं, अब हम ये तीन सर्किल तो हमने ड्रॉ कर लिए, ये हमारे ड्रॉ हो गए, अब इसमें सबसे पहले इस मिड को बना लेते हैं हम पूरा, मिड वाला हम देखते हैं ये हमारा हुआ, इससे क्या है, अब इसको देखते हैं जो हमारा मिड में ये बना हुआ है, ये जो गैप है हमारा इस वाले सर्किल का और इस सर्किल जो हमारा कट लगा हुआ है कितने का, 6 mm का, तो हम ये हमारा सेंटर से है, तो हम क्या करें इसको, तो हम सबसे पहले इसको बना लेते हैं बीच वाले सर्किल को, जैसे ये हमारा ड्रॉ किया हमने, इसमें देखते हैं कि ये जो बीच का है ये कितने mm के गैप में है, ये 6 mm के हैं, तो हम इसमें क्या करें ये ऑफसेट लगा दें, हम इसका ऑफसेट लगा दें 3-3, ये सेंटर से है तो 3-3 mm का हम ऑफसेट लगाते हैं, 3 mm इस साइड और सेंटर से 3 mm इस साइड, ये लगा दिया, ये हमारा लग गया। अब हिसाब से देखते हैं हम किसको कट करना है, हमें एक सर्किल को छोड़ के दो सर्किल बीच कट करने हैं, तो हम ट्रिम कमांड यूज़ करते हैं TR double enter, सबसे पहले इसको हम ट्रिम कर लें, इसको भी हटा दें, ये भी ट्रिम हो जाएगा, ये भी ट्रिम हो जाएगा, देन ये भी ट्रिम हो जाएगा, ये भी ट्रिम हो जाएगा, और ये भी ट्रिम कर दें, ये भी ट्रिम कर दें, इस टाइप से हो गया, ये हमारे काम के नहीं है तो इसको हटा दें। ओके, ये भी हमारे काम का नहीं है, ये भी हटा दें, ये भी काम का नहीं है, ट्रिम कर दी, यहाँ पर ये ट्रिम करना है हमको, ये सेंटर की लाइन बनी रहने देते हैं, यहाँ पर ये ट्रिम करना है, और सॉरी इसको और इसको ट्रिम करना है, और ये भी हमारे काम का नहीं है, इस टाइप से हुआ। अब हम देखते हैं कि दूसरी तरफ ये हमारे बीच का सेंटर का तो हो गया, अब इस साइड का देखते हैं, तो इसमें कोई एंगल तो दिया नहीं गया है, बट हम इसके एंगल से थ्रू हम इसको मिड सेंटर में कर सकते हैं, इसका सेंटर निकाल सकते हैं, ये देखिए इसका सेंटर, इसका सेंटर ये आ रहा है, ये लिया, देन इसी टाइप से हम इसका भी सेंटर लेंगे, देखिए इसका ये आ रहा है, ये हुआ। अब इसको क्या करें, ऑफसेट लगा देते हैं 3-3 का 3-3 का ऑफसेट लगाया हमने, 3 का ऑफसेट लगा दिया, ये लगा दिया, हो गया हमारा, एंड ट्रिम कमांड यूज करेंगे TR double enter, इसको हम ट्रिम कर देते हैं, ये हमारा कोई काम का नहीं है, ये भी हमारा कोई काम के नहीं है, ये भी काम का नहीं है,
तो ये काम के हैं। ये काम के हैं, इसको हटाते हैं, ये भी हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं और ये डिलीट करते हैं। ये हमारा हो गया। इसी प्रकार से हम इसको भी हटाएंगे। ये भी हमने हटा दिया। ये हमने इसी प्रकार से हमने इनको ट्रिम कर देते हैं। ओके, ये देखा हमने, ये एक साइड का हमारा बन चुका है। या तो हम इसी प्रकार से हम इसको इस साइड बना लें, और या तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको एक काम करेंगे, इसको मिलर कर देंगे। ठीक है, हमें पूरा एक टाइप का पूरा पार्ट बना लेना है वन साइड का। जब हम राइट साइड का बना लेंगे तो लेफ्ट साइड में अपने आप उसको मिलर कर देंगे। ठीक है, तब ये चीज़ हमारा हो गया। अब देखते हैं ये चीज़ हमको बनाना है। अब ये देखते हैं हम यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फ्लिट कमांड हमारी यूज होगी। फ्लिट कमांड कितने रेडियस में है ये देखते हैं। हमारी जो फ्लिट कमांड है ये हमारी 20 mm की रेडियस में है। चलो हम फ्लिट कमांड यूज़ करते हैं। पहले तो हम सिलेक्ट करते हैं इसमें, और ये लिया हम, क्या करें 20 mm का रेडियस दें, 20 mm का रेडियस दिया, इंटर किया, और दूसरा फर्स्ट पॉइंट पकड़ा और दूसरा पॉइंट पकड़ा। ये देखिए हमारे ये 20 mm की रेडियस में लग गया। इसी टाइप से हम यहाँ पर भी लगा लेंगे। तो हम क्या करें, फ्लिट कमांड लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये हो गया। अब इसी में हम फ्लिट कमांड यहाँ यूज करते हैं। ये लिया हमने, देन इसको पकड़ा और ये लगा दिया। ये हमारा 20 mm का फ्लैट लग गया है। ओके, काउ हम चेक कर लें इसकी रेडियस, अगर आपको ना लगे लेंथ, नहीं सॉरी एंगुलर रेडियस, ये चेक करते हैं। ये रेडियस हमारी कितनी है, 20 mm की। ओके, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये चीज़ हो गया। अब देखते हैं, अब हम इसको ट्रिम कर सकते हैं। ये जो हमारा पार्ट है हम ट्रिम करते हैं, टी या डबल इंटर से करके ट्रिम कर देते हैं। अब ये हमने ट्रिम कर दिया। अब हम देखते हैं ये जो पोजीशन है, ये वाला, ये चीज़ हमको बनाना होगा। ये हमारा कोई एंगल में तो नहीं है, बट हमें अपने हिसाब से बनाना पड़ता है। इस पॉइंट रखते हैं और इस पॉइंट को हम, सॉरी ज़्यादा हो गया, तो हम इसको यहाँ रखते हैं इस टाइप से। देखते हैं, हाँ अब देखते हैं ये हमारा बाहर निकल गया। इसको बाहर नहीं निकलने दे रहा, इसको ये किया, देखते हैं ऊपर ही ऊपर है। इस टाइप से हुआ। इसी प्रकार हम इस साइड भी कर लेते हैं। इसको ये किया, ये हमारा बन गया। अब हम इसको ट्रिम कर देते हैं, टी आर एंटर करके हम ये चीज़ हम ट्रिम कर देते हैं। ये हुआ। अब ये चीज़ का काम नहीं है हमारे पास, ये भी नहीं है, इसको भी ट्रिम करके हटा देते हैं। ये चीज़ का काम नहीं है, जो चीज़ का हमारे पास यूज़ नहीं है उसको हम हटा दे रहे हैं। ये हो गया, देखते हैं ये चीज़ हो गया हमारे पास। देखो हमने ये ट्रिम कुछ ज़्यादा कर दिया इसमें, ये कर दिया हमने, ये चीज़ हो गया हमारा। ओके, ये देखते हैं हमारा ये चीज़ बन गया है। अब इसको हम क्या करें, हम इसको एक काम करते हैं, इसी को जस्ट पूरे को हम क्या करते हैं, मिरर कर देते हैं। ओके, मिरर करने के लिए सबसे पहले हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा कितना मिरर करना है। हम यहाँ से पकड़ें, ये देखो हमें ज़्यादा मिरर ना हो, ये इसको जूम करके थोड़ा नीचे ला के, हाँ इस टाइप से। अभी हमारा छूट जाएगा कुछ, ये हमने कॉपी किया। अब इसको कॉपी करके सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके अब क्या बोलते हैं, इसको मिरर में जाएंगे, ये मिरर कमांड हमारी, इसको सेलेक्ट किया। अब बोलेगा स्पेसिफाई था फर्स्ट पॉइंट, हम किस साइड को करना है, इस साइड करना है, तो हम इस साइड लेके आएंगे,
देखते हैं, चलो ज़्यादा जा रहा है, ध्यान हम कंट्रोल होकर के देखते हैं। अभी सेलेक्ट करते हैं इसको, थोड़ा मिरर में टाइम लगता है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लो। ये हमने सेलेक्ट किया कॉपी को, ये हमने सेलेक्ट किया इतना, उसको क्या बोलते हैं मिरर की, हमने ये लिया, ये देखिए इस टाइप से हो गया। ये हम यहाँ से मिरर कर देते हैं, और ये पूछेगा मिरर ये डिलीट करना, जो हमारा इरेज सोर्स को, मतलब ये जो हमारा जो हमने सोर्स बनाया हुआ है इसको डिलीट करना है या नहीं करना है, हम इसको डिलीट नहीं करना चाहते हैं, नो कर दें। अब देखिए हमारा बन गया, इसको कॉपी करके दूसरी साइड थोड़ा दूर ले जाएं, मूव कर लें इसको, ये देखिए बन गया हमारा। अब इसको हम, ये चीज़ है, इसको हम सही कर लें, पास में आए और इसको थोड़ा स्ट्रेच कर लें, ये हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि हम इसमें क्या बोलते हैं हैचिंग कर लेते हैं। हैचिंग करने के लिए हम एच एंटर करेंगे, हमारी क्या है हैचिंग कमांड चालू हो जाएगी, ये पैटर्न में सॉलिड में लेके चलेंगे। ओके सॉलिड में अब देखते हैं हमारा कलर इस टाइप का है, तो हमारा कलर यहाँ पर आएगा इस टाइप में। अब हम इस कलर को तो मिलाना पड़ेगा, हम थोड़ा मैच कर लें इस कलर को, कैसे आएगा इस टाइप से आएगा, और ओके कर लें। है जा सेम कलर तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप देख लो, ये चीज़ से हो गया। अब ये हमारा बीच में भी है, इसको भी कर लेते हैं, एंड देन ये हो गया। अब देखिए हमने ये ट्रिम नहीं किया, इसको ट्रिम कर लें। अच्छा ये हमारा इस टाइप में आ गया था ना, ये वाला पाइट को हटा दिया, डबल डबल है, ये देखिए हुआ। अब इसके बाद ये इस टाइप को हम देखते हैं, फिर हैचिंग कमांड यूज़ करेंगे, कलर को चेंज करेंगे। ये हमारा कलर कौन कहाँ पर आएगा, बस ओके कर देंगे, एंड ओके 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 हुआ, ये चीज होना हमारा। अब क्या करते हैं हम, इन देन अंडर वाले सर्कल में भी है, बीच में मिड वाले सर्कल में करते हैं, ये चीज़ हो गया होगा। अब इसके बाद देखिए कलर थोड़ा सा चेंज होगा, बट आप देख लेना उसी हिसाब से आप कलर ढूंढ भी सकते हो उसमें, देखते हैं हम, ये चीज़ हो गया। ओके अब हम इसकी क्या बोलते हैं डायमेंशन को शो कर देते हैं। ओके डायमेंशन को शो करने के लिए हम क्या करें, ये रेडियस है, हम सबसे पहले ज़्यादा रेडियस कमांड में एनोटेशन में जाएंगे, रेडियस को यूज़ करेंगे, इसकी रेडियस देखते हैं, बट हमें इसकी यूनिट बहुत छोटी दिख रही है, तो डी एंटर करके हम यूनिट सेट कर लें इसकी। मॉडिफाई में जाएंगे, मॉडिफाई में डायमेंशन में इसकी कितना कर लें 1.1 में कर लें, 0 में कर लो। अब इसका स्केल फैक्टर ओके, अब इसका टैक्स में देख लें कितना है, हाइट टैक्स हम इसकी हाइट टैक्स हम धर लें 9 कर लें, ओके एंटर करें, ये आया हाइट टैक्स, ओके कर दें, एंड करंट सेट कर दें और क्लोज कर दें। ओके ये देखिए इस टाइप से आ जाएगा, एंड देन सर्किल को यूज करते हैं, रेडियस को हमें यूज़ करना है, रेडियस देन इसकी भी रेडियस 21 है, देन उसी टाइप से हम रेडियस को लेंगे, ये भी हमारी, ये 20 थी हमारी, ये 20 थी, इसको क्या हम धरते हैं, इसको हम धरते हैं यहाँ पर यूज करते हैं, इसको हम यहाँ कर लें कोई दिक्कत नहीं, एंड इसकी भी रेडियस हम शो करवा लेते हैं, एंड अंदर वाले सर्किल की भी शो करवा लेते हैं, इसकी भी हम शो करवा लेते हैं 32, देन इसके भी अंदर जो हमारी सर्किल है इसकी भी शो करवा लेते हैं, ये हमारी कितनी है 21,
रहता है, इसी हिसाब से हम इसकी भी अंदर शो करवा लेते हैं। इसकी भी रेडियस 16, ओके। इसने जो साइज रखा है, हम इस साइज रखते हैं, इसके और इसके बीच का सेंटर देख लें, 60-50, ओके। देन इसी टाइप से ये भी हमारा, इसके इसके बीच का सेंटर देख लें, 70, और इससे और इसके बीच का 70 है। अब इसको भी देखते हैं, ये भी हम यूज कर लें, मतलब ये पॉइंट 50-50 का हो गया, ओके। उसी हिसाब से हम देखते हैं, ये हो गया। अब इसकी सर्किल की, इसकी भी हम रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं, इस सर्किल की 15, इस बार वाले सर्किल की भी देखते हैं, इस वाले की 20, ओके। अंदर वाले की 15, ओके। देन इसी टाइप से ये चीज़ हो गया। अब हम देखते हैं इसकी भी, हम रख लें 15, ओके। इस टाइप से हमारी ड्राइंग बनके तैयार हो जाएगी। अब हमने देखा कि ये हमारा 60, ये चीज़ नहीं दिखा, इस सेंटर से इस सेंटर के बीच की दूरी, डिस्टेंस और करते हैं, इससे बीच की दूरी, ये सेंटर 60 ले आया, इस सेंटर से इस सेंटर की दूरी 60, ओके। ये चीज़ हो गई। अब इसको हम इसको एक बॉक्स में कवर कर लेते हैं, ओके। इस टाइप से हमारा ये प्रैक्टिस ड्राइंग होगी। इसमें आपने सीखा कि हमने फ्लिट कमांड भी यूज की और हैचिंग कमांड भी ली, और सर्कल कमांड तो उसमें ऑलरेडी हर जगह यूज हुई है, और रेडियस को हमने कैसे निकालते हैं, रेडियस कैसे देते हैं, इसके बाद क्या करते हैं हम, और फ्लिट कमांड भी हमने यूज की। इसमें हमने आज इसमें काफ़ी सारी कमांड को पढ़ा, और हमने एक ड्राइंग को प्रैक्टिस भी किया, जिससे आई होप आप लोगों की नॉलेज थोड़ा इम्प्रूव हुई होगी। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।